लेवी व्यवस्था अध्याय एक। होम बलि की विधि। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों या भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होमबलि पशु के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होमबलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होमबलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह भेड़ों या बकरों का होमबलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के और वह उसको सिर और चर्बी समेत टुकड़े टुकड़े करे और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर रखे जो वेदी की आग पर होगी। वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए और याजक वेदी पर जलाए कि वह होमबलि हो और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होमबलि चढ़ाए तो पंडुकों या कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़कर सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए और उसका सारा लहू उस वेदी के बाजू पर गिराया जाए और वह उसकी गलथैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूरब की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंक दे और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रख कर जो आग पर होगी जलाए कि वह होमबलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। लेवी व्यवस्था अध्याय दो। अन्न बलि की विधि। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए और अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र भाग होगा। जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियों का हो। और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्न बलि हो तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कड़ाही में तला हुआ अन्न बलि हो तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए। और जो अन्न बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए और याजक अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवनों में परम पवित्र भाग होगा। कोई अन्न बलि जिससे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाए।
फिर अपने सब अन्नबलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्नबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्नबलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्नबलि के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बाले अर्थात हरी हरी बालों को मींच कर निकाल लेना। तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना। तब वह अन्न बलि हो जाएगा और याजक मींच कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाला भाग करके जला दे। वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। लेवी व्यवस्था अध्याय 3। मेल बलि की विधि। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए तो चाहे वह पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वह अलग करे। तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाए जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि यहोवा के मेलबलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे। और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब मेल बलि को यहोवा के लिए हवन करे और उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वह अलग करे। और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। यदि वह बकरा या बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे। और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वह अलग करे। और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी न खाओ। लेवी व्यवस्था अध्याय 4। पाप बलि की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है
यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर होमबलि की वेदी जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। फिर वह पापबलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है और जितनी चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं, और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए। परंतु उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, अंतड़ियां, गोबर और सारा मांस, अर्थात समूचा बछड़ा, छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रख कर आग से जलाए। जहां राख डाली जाती है वह वहीं जलाया जाए। यदि इस्राएल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आँखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पापबलि करके चढ़ाए। वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखें और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। तब अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के, और उसी लहू में से वेदी के सिंगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए, और बचा हुआ सब लहू होमबलि की वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे, और वह बछड़े की कुल चर्बी निकाल कर वेदी पर जलाए, जैसे पापबलि के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करे। इस भांति याजक इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका पाप क्षमा किया जाएगा, और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। यह तो मंडली के निमित्त पापबलि ठहरेगा। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके, अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए और बकरे के सिर पर अपना हाथ रखे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहां होमबलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं। यह पाप बलि ठहरेगा। तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लहू में से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के सिंगों पर लगाए और उसका लहू होमबलि की वेदी के पाए पर उंडेल दे, और वह उसकी कुल चर्बी को मेलबलि की चर्बी के समान वेदी पर जलाए, और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित करे, तब वह क्षमा किया जाएगा। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे, और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे, और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए, और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। यदि वह पाप बलि के लिए एक मेमना ले आए तो वह निर्दोष मादा हो और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वही बलिदान करे जहां होम बलि पशु बलि किया जाता है। तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाए और उसके सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दे, और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि वाले मेमने की चर्बी के समान अलग करे, और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। लेवी व्यवस्था
अध्याय 5। दोष बलि की विधि। यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। अथवा यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध जंगली पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। अथवा यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो, जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। अथवा यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले, और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक मादा भेड़ या बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ्य न हो, तो अपने पाप के कारण दो पिंडुक या कबूतरी के दो बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए, उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए, वह उनको याजक के पास ले आए, और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले पर अलग न करे, और वह पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के बाजू पर छिड़के, और जो लहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर उंडेला जाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। तब दूसरे पक्षी को वह नियम के अनुसार होम बलि करे, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। यदि वह दो पिंडुक या कबूतरी के दो बच्चे भी न दे सके, तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का दसवां भाग मैदा पाप बलि करके ले आए, उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। वह उसको याजक के पास ले जाए, और याजक उसमें से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित करे, और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा, और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष के समान याजक का ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए, उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल चांदी का हो जितना याजक ठहराए, और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो उसमें वह पांचवा भाग और बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो, तो भी वह दोषी ठहरेगा, और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए, वह उतने दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में की हो प्रायश्चित करे, और वह क्षमा किया जाएगा, यह दोष बलि ठहरे, क्योंकि वह मनुष्य निसंदेह यहोवा के सम्मुख दोषी ठहरेगा। लेव्य व्यवस्था अध्याय 6। बेईमान लोगों के लिए दोष बलि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे, या उस पर अत्याचार करे, या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों न हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं,
तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या अत्याचार करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, चाहे कोई वस्तु क्यों न हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और पांचवा भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे, और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोषबलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोषबलि के लिए याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी। भांति भांति के बलिदानों की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होमबलि की व्यवस्था यह है, होमबलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे, और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होमबलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होमबलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है, हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरणार्थ इस भाग को यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए, और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खाए, वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाए, वह खमीर के साथ पकाया न जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पापबलि और दोषबलि परम पवित्र है, वैसा ही वह भी है। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं, यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा, जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। याजकों की अन्न बलि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एपा का दसवां भाग मैदा नित्य अन्न बलि में चढ़ाए, उसमें से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए, वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए, जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना। इस अन्न बलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना। हारून के पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाए करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए, याजक के संपूर्ण अन्न बलि भी सब जलाए जाए, वह कभी न खाया जाए। पाप बलि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए, वह परम पवित्र है। जो याजक पाप बलि चढ़ाए वह उसे खाए, वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए, जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना, और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए, यदि वह पीतल के पात्र में उबाला गया हो तो वह मांजा जाए और जल से धो लिया जाए, याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं, वह परम पवित्र वस्तु है। पर जिस पापबलि पशु के लहू में से कुछ भी लहू मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए उसका मांस कभी न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए।
लेवी व्यवस्था अध्याय 7। दोषबलि। फिर दोषबलि की व्यवस्था यह है, वह परम पवित्र है। जिस स्थान पर होमबलि पशु का वध करते हैं, उसी स्थान पर दोषबलि पशु भी बलि करे, और उसके लहू को याजक वेदी पर चारों ओर छिड़के, और वह उसमें की सब चर्बी को चढ़ाए, अर्थात उसकी मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर और कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे, तब वह दोषबलि होगा। याजकों में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं, वह किसी पवित्र स्थान में खाया जाए, क्योंकि वह परम पवित्र है। जैसा पापबलि है वैसा ही दोषबलि भी है, उन दोनों की एक ही व्यवस्था है। जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रायश्चित करे वही उन वस्तुओं को ले ले, और जो याजक किसी के लिए होमबलि को चढ़ाए उस होमबलि पशु की खाल को वही याजक ले ले, और तंदूर में या कढ़ाई में या तवे पर पके हुए सब अन्न बलि उसी याजक की होंगी जो उन्हें चढ़ाता है, और सब अन्न बलि जो चाहे तेल से सने हुए हो चाहे रूखे हो वे हारून के सब पुत्रों को एक समान मिले। मेल बलि। मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए, और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ अख़मीरी रोटियां भी चढ़ाए, और ऐसे एक एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाए, वह मेल बलि के लहू के छिड़कने वाले याजक की होगी, और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए, उसमें से कुछ भी भोर तक शेष न रह जाए। पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का या स्वेच्छा का हो तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए, और उसमें से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी खाया जाए। परंतु जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रह जाए वह आग में जला दिया जाए, और उसके मेल बलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह ग्रहण न किया जाएगा और न उसके हित में गिना जाएगा, वह घृणित कर्म समझा जाएगा, और जो कोई उसमें से खाए उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से छू जाए वह न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। फिर मेल बलि का मांस जितने शुद्ध हो वे ही खाए, परंतु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल बलि के मांस में से कुछ खाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के मेल बलि पशु के मांस में से खाए तो वह भी अपने लोगों में से नाश किया जाए, चाहे वह मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु या अशुद्ध पशु या कोई भी अशुद्ध और घृणित वस्तु हो। वर्जित लहू और चर्बी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से इस प्रकार कह, तुम लोग न तो बैल की कुछ चर्बी खाना और न भेड़ या बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए उसकी चर्बी और अन्य काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाएगा जिसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते हैं, वह खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, न खाना। हर एक प्राणी जो किसी भांति का लहू खाएगा वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से इस प्रकार कह, जो यहोवा के लिए मेलबलि चढ़ाए वह उसी मेलबलि में से यहोवा के पास भेंट ले आए, वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए, और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। फिर तुम अपने मेल बलियों में से दाहिनी जांघ को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हारून के पुत्रों में से जो मेल बलि के लहू और चर्बी को चढ़ाए दाहिनी जांघ उसी का भाग होगा,
क्योंकि इस्राएलियों के मेल बलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांघ को लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है कि यह सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे। जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए लाए गए, उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उनका यही अभिषिक्त भाग ठहराया गया। अर्थात जिस दिन यहोवा ने उनका अभिषेक किया, उसी दिन उसने आज्ञा दी कि उनको इस्राएलियों की ओर से ये भाग नित्य मिला करे। उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनका यही हक ठहराया गया। होमबलि, अन्नबलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेलबलि की व्यवस्था यही है। जब यहोवा ने सीनाई पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इस्राएली मेरे लिए क्या क्या चढ़ावा चढ़ाए, तब उसने उनको यही व्यवस्था दी थी। लेवी व्यवस्था अध्याय 8। हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पापबलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटीबंध लपेट कर बागा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पट्टे से एपोद को बांध कर कस दिया और उसने चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुम्मीम रख दिए। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांध कर पगड़ी के सामने सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और संपूर्ण सामान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर कटीबंध बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पापबलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पापबलि के बछड़े के सिर पर रखे, तब वह बलि किया गया। और मूसा ने लहू को लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। और मूसा ने अंतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया, परंतु बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह होमबलि के मेढ़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे, तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अंतड़ियां और पांव जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया और वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह दूसरे मेढ़े को जो संस्कार का मेढ़ा था समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे, तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया और मूसा ने लहू को
वेदी पर चारों ओर छिड़का, और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अंतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दाहिनी जांघ ये सब लेकर अलग रखे, और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी उसमें से एक अख़मीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पापड़ी लेकर चर्बी और दाहिनी जांघ पर रख दी, और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर रख दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाई गई। तब मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया, और संस्कार के मेढ़े में से मूसा का भाग यही हुआ जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का, और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ, और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में है वही खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्र उसे खाए, और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना, और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे न हो तब तक अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी हारून और उसके पुत्रों ने किया। लेवी व्यवस्था अध्याय 9। याजकीय सेवकाई बलि अर्पण। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इस्राएली पुरनियों को बुलवाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा, और इस्राएलियों से यह कह, तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा लो जो 1 वर्ष के हो और निर्दोष हो, और मेलबलि के लिए यहोवा के सम्मुख चढ़ाने के लिए एक बैल और एक मेढ़ा और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्न बलि भी ले लो, क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा, और जिस जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी उन सबको वे मिलाप वाले तंबू के आगे ले आए, और सारी मंडली समीप जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। तब मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े को बलिदान किया, और हारून के पुत्र लहू को उसके पास ले गए। तब उसने अपनी उंगली को लहू में डुबाकर वेदी के सिंगों पर लहू को लगाया, और शेष लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया, और पाप बलि में की चर्बी और गुर्दों और कलेजे पर की झिल्ली को उसने वेदी पर जलाया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और मांस और खाल को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया। तब होमबलि पशु को बलिदान किया, और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। तब उन्होंने होमबलि पशु को टुकड़े टुकड़े करके सिर सहित उसके हाथ में दे दिया, और उसने उनको वेदी पर जला दिया, और उसने अंतड़ियों और पाओ को धोकर वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। तब उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस पापबलि के बकरे को जो उनके लिए था लेकर उसका बलिदान किया,
और पहले के समान उसे भी पापबलि करके चढ़ाया, और उसने होमबलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया, और अन्नबलि को भी समीप ले जाकर उसमें से मुट्ठी भर वेदी पर जलाया। यह भोर के होमबलि के अलावा चढ़ाया गया। बैल और मेढ़ा अर्थात् जो मेलबलि पशु जनता के लिए थे वे भी बलि किए गए, और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेढ़े में से मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है उसको और गुर्दों सहित कलेजे पर की झिल्ली को भी उसके हाथ में दिया, और उन्होंने चर्बी को छातियों पर रखा और उसने वह चर्बी वेदी पर जलाई। परंतु छातियों और दाहिनी जांघ को हारून ने मूसा की आज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाया। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकली, चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। लेव्य व्यवस्था अध्याय 10। नादाब और अबीहू के भस्म होने का वर्णन। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस अनुचित आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे, और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और एलसाफान को जो हारून के चाचा उजियल के पुत्र थे बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और ईतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु इसराइल के सारे घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं वह यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें, और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। याजकों के लिए निर्धारित आचरण। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तब तब तुम में से कोई न तो दाखमधु पिए हो न और किसी प्रकार का मध्य, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र एलियाजर और ईतामार से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वह यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। तब हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांघ को तुम लोग अर्थात तू और तेरे बेटे बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इसराइलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे बच्चों का हक ठहरा दी गई है। चर्बी के हव्यों समेत जो उठाई हुई जांघ और हिलाई हुई छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेंगी, ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार
सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे बच्चों के लिए है। फिर मूसा ने पापबलि के बकरे की खोजबीन की तो क्या पाया कि वह जलाया गया है। इसलिए एलियाजर और ईतामार जो हारून के पुत्र बचे थे उनसे वह क्रोध में आकर कहने लगा, पापबलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? देखो, उसका लहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया। निस्संदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान में खाते। इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया, देख, आज ही उन्होंने अपने पापबलि और होमबलि को यहोवा के सामने चढ़ाया, फिर मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी हैं। इसलिए यदि मैं आज पापबलि का मांस खाता तो क्या यह बात यहोवा के सम्मुख भली होती? जब मूसा ने यह सुना तब उसे संतोष हुआ। लेवी व्यवस्था अध्याय 11। शुद्ध और अशुद्ध पृथ्वी के पशु। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो, जितने पशु पृथ्वी पर हैं, उन सभी में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं, उन्हें खा सकते हो। परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वालों में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊंट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और चट्टानी बिज्जू जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरगोश जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सुअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध जल जंतु। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र या नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोयटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोयटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं, वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं। वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे, तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथों को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोयटे नहीं होते वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। अशुद्ध पक्षियां। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाए, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, चील और भांति भांति के बाज और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, जल कुक्कट और भांति भांति के जल कुक्कट, हबासिल, हाड़गील, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, सारस, भांति भांति के बगुले, टिट्टी हरी और चमगादड़। शुद्ध और अशुद्ध कीड़े। जितने पंख वाले कीड़े चार पाँवों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, पर रेंगने वाले और पंख वाले जो चार पाँवों के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती हैं, उनको तो खा सकते हो। वे ये है अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फंगे, भांति भांति के झींगुर और भांति भांति के टिड्डे। परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले जो चार पाँव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। मृत पशु को छूने के बाद शुद्धिकरण। इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे, जिस किसी से इनकी लोथ छू जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जितने पशु चिरे खुर के होते हैं परंतु न तो बिल्कुल फटे खुर और न पागुर करने वाले हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उन्हें छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और चार पाँव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उनकी लोथ छुए
वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उनकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, अर्थात नेवला, चूहा और भांति भांति के, गोह और छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा और गिरगिट। सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा ही पात्र आदि क्यों न हो, वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए। और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन जंतुओं में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे, और पात्र को तुम तोड़ डालना। उसमें जो खाने के योग्य भोजन हो जिसमें पानी का छुआव हो वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ तंदूर या चूल्हे पर पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे। परंतु सोता या तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े तो वह बीज शुद्ध रहे, पर यदि बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड़ जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है यदि उनमें से कोई पशु मरे तो जो कोई उसकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध रेंगने वाले जीव। सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए न जाए। पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट या चार पांवों के बल चलते हैं या अधिक पांव वाले होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना, और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध अशुद्ध और भक्ष्य और अभक्ष्य जीवधारियों में भेद किया जाए। लेवी व्यवस्था अध्याय 12। प्रसूता के शुद्धिकरण के नियम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जो स्त्री गर्भवती हो और उसके लड़का हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हो तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन की लगे, और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का 1 बच्चा या पिंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़का या लड़की उत्पन्न हो उसके लिए यही व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ या बकरी
देने की पूंजी न हो तो दो पिंडुकी या कबूतरी के दो बच्चे, एक तो होमबलि और दूसरा पापबलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। लेवी व्यवस्था अध्याय 13। चर्म रोग संबंधित नियम। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन या पपड़ी या दाग हो और इससे उसके चर्म में कोढ़ की व्याधि के समान कुछ दिखाई पड़े, तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक है उनमें से किसी के पास ले जाए। जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे और यदि उस व्याधि के स्थान के रोए उजले हो गए हो और व्याधि चर्म से गहरी दिखाई पड़े, तो वह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है, और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए। पर यदि वह दाग उसके चर्म में उजला तो हो परंतु चर्म से गहरा न देख पड़े और न वहां के रोए उजले हो गए हो, तो याजक उसको 7 दिन तक बंद करके रखे, और 7वें दिन याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे और उसके चर्म में न फैली हो, तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद करके रखे, और 7वें दिन याजक उसको फिर देखे, और यदि देख पड़े कि व्याधि की चमक कम है और व्याधि चर्म पर फैली न हो, तो याजक उसको शुद्ध ठहराए, क्योंकि उसके तो चर्म में पपड़ी है और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए। पर यदि याजक की उस जांच के पश्चात जिसमें वह शुद्ध ठहराया गया था वह पपड़ी उसके चर्म पर बहुत फैल जाए, तो वह फिर याजक को दिखाया जाए, और यदि याजक को देख पड़े कि पपड़ी चर्म में फैल गई है, तो वह उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ ही है। यदि कोढ़ की सी व्याधि किसी मनुष्य के हो, तो वह याजक के पास पहुंचाया जाए, और याजक उसको देखे, और यदि वह सूजन उसके चर्म में उजली हो और उसके कारण रोए भी उजले हो गए हो और उस सूजन में बिना चर्म का मांस हो, तो याजक जाने कि उसके चर्म में पुराना कोढ़ है, इसलिए वह उसको अशुद्ध ठहराए और बंद न रखे, क्योंकि वह तो अशुद्ध है। और यदि कोढ़ किसी के चर्म में फूटकर यहाँ तक फैल जाए कि जहाँ कहीं याजक देखे रोगी के सिर से पैर के तलवे तक कोढ़ ने सारे चर्म को छा लिया हो, तो याजक ध्यान से देखे, और यदि कोढ़ ने उसके सारे शरीर को छा लिया हो, तो वह उस व्यक्ति को शुद्ध ठहराए, और उसका शरीर जो बिल्कुल उजला हो गया है वह शुद्ध ही ठहरे। पर जब उसमें चर्महीन मांस देख पड़े तब तो वह अशुद्ध ठहरे, और याजक चर्महीन मांस को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वैसा चर्महीन मांस अशुद्ध ही होता है, वह कोढ़ है। पर यदि वह चर्महीन मांस फिर उजला हो जाए, तो वह मनुष्य याजक के पास जाए और याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि फिर से उजली हो गई हो, तो याजक रोगी को शुद्ध जाने, वह शुद्ध है। फिर यदि किसी के चर्म में फोड़ा होकर चंगा हो गया हो और फोड़े के स्थान में उजली सी सूजन या लाली लिए हुए उजला दाग हो, तो वह याजक को दिखाया जाए, और याजक उस सूजन को देखे, और यदि वह चर्म से गहरा दिखाई पड़े और उसके रोए भी उजले हो गए हो, तो याजक यह जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है जो फोड़े में से फूट कर निकली है। परंतु यदि याजक देखे कि उसमें उजले रोए नहीं है और वह चर्म से गहरी नहीं और उसकी चमक कम हुई है, तो याजक उस मनुष्य को 7 दिन तक बंद करके रखे, और यदि वह व्याधि उस समय तक चर्म में सचमुच फैल जाए, तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है। परंतु यदि वह दाग न फैले और अपने स्थान ही पर बना रहे, तो वह फोड़े का दाग है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए। फिर यदि किसी के चर्म में जलने का घाव हो और उस जलने के घाव में चर्महीन दाग लाली लिए हुए उजला या उजला ही हो जाए, तो याजक उसको देखे, और यदि उस दाग में के रोए उजले हो गए हो और वह चर्म से गहरा दिखाई पड़े, तो वह कोढ़ है जो उस जलने के दाग में से फूट निकला है, याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि उसमें कोढ़ की व्याधि है।
पर यदि याजक देखे कि दाग में उजले रोए नहीं और न वह चर्म से कुछ गहरा है और उसकी चमक कम हुई है, तो वह उसको 7 दिन तक बंद करके रखे, और 7वें दिन याजक उसको देखे और यदि वह चर्म में फैल गई हो तो वह उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि उसको कोढ़ की व्याधि है। परंतु यदि वह दाग चर्म में नहीं फैला और अपने स्थान ही पर जहाँ का तहाँ बना हो और उसकी चमक कम हुई हो, तो वह जल जाने के कारण सूजा हुआ है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए, क्योंकि वह दाग जल जाने के कारण से है। फिर यदि किसी पुरुष या स्त्री के सिर पर या पुरुष की दाढ़ी में व्याधि हो, तो याजक व्याधि को देखे और यदि वह चर्म से गहरी देख पड़े और उसमें भूरे भूरे पतले बाल हो, तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए। वह व्याधि सेहुआ अर्थात सिर या दाढ़ी का कोढ़ है, और यदि याजक सेहुए की व्याधि को देखे कि वह चर्म से गहरी नहीं है और उसमें काले काले बाल नहीं है, तो वह सेहुए के रोगी को 7 दिन तक बंद करके रखे, और 7वें दिन याजक व्याधि को देखे, तब यदि वह सेहुआ फैला न हो और उसमें भूरे भूरे बाल न हो और सेहुआ चरम से गहरा न देख पड़े, तो यह मनुष्य मुंडा जाए, परंतु जहाँ सेहुआ हो वहाँ न मुंडा जाए। और याजक उस सेहुए वाले को और भी 7 दिन तक बंद करे, और 7वें दिन याजक सेहुए को देखे और यदि वह सेहुआ चरम में फैला न हो और चरम से गहरा न देख पड़े, तो याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध ठहरे। पर यदि उसके शुद्ध ठहरने के पश्चात सेहुआ चरम में कुछ भी फैले, तो याजक उसको देखे और यदि वह चरम में फैला हो, तो याजक भूरे बाल न ढूंढे, क्योंकि वह मनुष्य अशुद्ध है। परंतु यदि उसकी दृष्टि में वह सेहुआ जैसे का तैसा बना हो और उसमें काले काले बाल जमे हो, तो वह जाने कि सेहुआ चंगा हो गया है और वह मनुष्य शुद्ध है, याजक उसको शुद्ध ही ठहराए। फिर यदि किसी पुरुष या स्त्री के चर्म में उजले दाग हो, तो याजक देखे और यदि उसके चर्म में वे दाग कम उजले हो, तो वह जाने कि उसको चर्म में निकली हुई दाद ही है, वह मनुष्य शुद्ध ठहरे। फिर जिसके सिर के बाल झड़ गए हो, तो जानना कि वह चंदुला तो है परंतु शुद्ध है। और जिसके सिर के आगे के बाल झड़ गए हो, तो वह माथे का चंदुला तो है परंतु शुद्ध है। परंतु यदि चंदुले सिर पर या चंदुले माथे पर लाली लिए हुए उजली व्याधि हो, तो जानना कि वह उसके चंदुले सिर पर या चंदुले माथे पर निकला हुआ कोढ़ है। इसलिए याजक उसको देखे और यदि व्याधि की सूजन उसके चंदुले सिर या चंदुले माथे पर ऐसी लाली लिए हुए उजली हो जैसा चरम के कोढ़ में होता है, तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है। जिसमें वह व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढापे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे, उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे। इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। दूषित कपड़े। फिर जिस वस्त्र में कोढ़ की व्याधि हो, चाहे वह वस्त्र ऊन का हो चाहे सनी का, वह व्याधि चाहे उस सनी या ऊन के वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में, या वह व्याधि चमड़े में या चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में हो, यदि वह व्याधि किसी वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में या चमड़े की किसी वस्तु में हरी हो या लाल सी हो, तो जानना कि वह कोढ़ की व्याधि है, और वह याजक को दिखाई जाए, और याजक व्याधि को देखे और व्याधि वाली वस्तु को 7 दिन के लिए बंद करे, और 7वें दिन वह उस व्याधि को देखे और यदि वह वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में या चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में फैल गई हो, तो जानना कि व्याधि गलित कोढ़ है। इसलिए वह वस्तु चाहे कैसे ही काम में क्यों न आती हो, तो भी अशुद्ध ठहरेगी। वह उस वस्त्र को जिसके ताने या बाने में वह व्याधि हो, चाहे वह ऊन का हो चाहे सनी का या चमड़े की वस्तु हो,
उसको जला दे। वह व्याधि गलित कोढ़ की है, वह वस्तु आग में जलाई जाए। यदि याजक देखे कि वह व्याधि उस वस्त्र के ताने या बाने में या चमड़े की उस वस्तु में नहीं फैली, तो जिस वस्तु में व्याधि हो उसके धोने की आज्ञा दे, तब उसे और भी 7 दिन तक बंद करके रखे। और उसके धोने के बाद याजक उसको देखे, और यदि व्याधि का न तो रंग बदला हो और न व्याधि फैली हो, तो जानना कि वह अशुद्ध है, उसे आग में जलाना। क्योंकि चाहे वह व्याधि भीतर चाहे ऊपरी हो, तो भी वह खा जाने वाली व्याधि है। पर यदि याजक देखे कि उसके धोने के पश्चात व्याधि की चमक कम हो गई, तो वह उसको वस्त्र के चाहे ताने चाहे बाने में से या चमड़े में से फाड़ कर निकाले। और यदि वह व्याधि तब भी उस वस्त्र के ताने या बाने में या चमड़े की उस वस्तु में दिखाई पड़े, तो जानना कि वह फूट कर निकली हुई व्याधि है, और जिसमें वह व्याधि हो उसे आग में जलाना। यदि उस वस्त्र से जिसके ताने या बाने में व्याधि हो या चमड़े की जो वस्तु हो उससे जब धोई जाए और व्याधि जाती रही, तो वह दूसरी बार धुलकर शुद्ध ठहरे। ऊन या सनी के वस्त्र में के ताने या बाने में या चमड़े की किसी वस्तु में जो कोढ़ की व्याधि हो, उसके शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की यही व्यवस्था है। लेवी व्यवस्था अध्याय 14। चर्म रोग शुद्धिकरण का नियम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है, वह याजक के पास पहुंचाया जाए, और याजक छावनी के बाहर जाए, और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो, तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदार की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाएं। और याजक आज्ञा दे कि 1 पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सभी को लेकर 1 संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहराने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे, और शुद्ध ठहराने वाला अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवा कर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा, और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे, और 7वें दिन वह सिर, दाढ़ी और भौहों के सब बाल मुंडाए और सब अंग मुंडन कराए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। 8वें दिन वह 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3/10 अंश मैदा और लोज भर तेल लाए, और शुद्ध ठहराने वाला याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध होने वाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। तब याजक 1 भेड़ का बच्चा लेकर दोषबलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए, और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए, और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहां वह पापबलि और होमबलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसे पापबलि याजक का निज भाग होगा, वैसे ही दोषबलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा, वह परम पवित्र है। तब याजक दोषबलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। तब याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले, और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपनी बाई हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा, याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोषबलि के लहू के ऊपर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए
उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। याजक पापबलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो प्रायश्चित करे, और उसके बाद होमबलि पशु का बलिदान करके अन्नबलि समेत वेदी पर चढ़ाए, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी न हो, तो वह अपना प्रायश्चित करवाने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोषबलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का दसवां अंश मैदा अन्न बलि करके और लोज भर तेल लाए, और दो पंडुक या कबूतरी के दो बच्चे लाए जो वह ला सके, और इनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो, और आठवें दिन वह इन सभी को अपने शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख याजक के पास ले आए। तब याजक उस लोज भर तेल और दोष बलि वाले भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए, और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाई हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख सात बार छिड़के। फिर याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के स्थान पर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दे। तब वह पंडुक या कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसके इतनी पूंजी न हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है। घर में लगी फफूंदी के लिए नियम। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो, जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा देख पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो, कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे। और इसके बाद याजक घर देखने को भीतर जाए, तब वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हो, तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को सात दिन तक बंद कर रखे, और सातवें दिन याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकाल कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे, और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर खुरचवाए, और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए, और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाए, और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे और पुताई जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, तो याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है, वह अशुद्ध है, और वह सब गारे समेत पत्थर लकड़ी और घर को खुदवा कर गिरा दे, और उन सब वस्तुओं को उठवा कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फिकवा दे, और जब तक वह घर बंद रहे तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध रहे,
और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए वह भी अपने वस्त्रों को धोए। पर यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है तब से उसमें व्याधि नहीं फैली है, तो यह जानकर कि वह व्याधि दूर हो गई है घर से शुद्ध ठहराए, और उस घर को पवित्र करने के लिए दो पक्षी देवदार की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लाए, और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदार की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी, इन सभी को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लहू में और बहते हुए जल में डुबा दे, और उस घर पर 7 बार छिड़के। इस प्रकार वह पक्षी के लहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदार की लकड़ी और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। जब वह जीवित पक्षी को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे, इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। सब भांति के कोढ़ की व्याधि और सेहुए और वस्त्र और घर में कोढ़ और सूजन और पपड़ी और दाग के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा देने की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है। लैवी व्यवस्था अध्याय 15। शरीर से बहने वाले अशुद्ध स्राव। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो तो वह प्रमेह के कारण से अशुद्ध ठहरे, वह चाहे बहता रहे चाहे बहना बंद भी हो तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। जिसके प्रमेह हो वह जिस जिस बिछौने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके प्रमेह हो और वह जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जो कोई बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके प्रमेह हो उससे जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके तो वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह सवारी की जिस वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे, और जो कोई किसी वस्तु को जो उसके नीचे रही हो छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह जिस किसी को बिना हाथ धोए छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छुए वह तोड़ डाला जाए, और काठ के सब प्रकार के पात्र जल से धोए जाए। फिर जिसके प्रमेह हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले, और उनके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। तब याजक उनमें से एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए भेंट चढ़ाए, और याजक उसके लिए उसके प्रेमह के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। फिर यदि किसी पुरुष का वीर्य स्खलित हो जाए तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जिस किसी वस्त्र या चमड़े पर वह वीर्य पड़े वह जल से धोया जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वे दोनों जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि बिछौने या किसी वस्तु पर
जिस पर वह बैठी हो छूने के समय उसका रूधिर लगा हो तो छूने वाले सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि कोई पुरुष उससे प्रसंग करे और उसका रूधिर उसके लग जाए तो वह पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे, और जिस जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे तो उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे। इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले, और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए, और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से अलग रखा करो, कहीं ऐसा न हो कि वे यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंस कर मर जाए। जिसके प्रमेह हो और जो पुरुष वीर्य स्खलित होने से अशुद्ध हो, और जो स्त्री ऋतुमती हो, और क्या पुरुष क्या स्त्री, जिस किसी के धातु रोग हो, और जो पुरुष अशुद्ध स्त्री के साथ प्रसंग करे, इन सभी के लिए यही व्यवस्था है। लैव व्यवस्था अध्याय 16। पाप से छुटकारे का दिन। जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर अति पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून अति पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है, और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए, और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करें, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी
सात बार छिड़क दे। फिर वह उस पापबलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिये होगा बलिदान करके उसके लहू को बीचवाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाले तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वह वैसा ही करे। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए अति पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इज़राइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर न निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए, और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा सात बार उस पर छिड़क कर उसे इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ा कर शुद्ध और पवित्र करे। प्रायश्चित का बकरा जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रख कर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन देश में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए, और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया था उन्हें उतार कर वही पर रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले, और बाहर जाकर अपने होमबलि और साधारण जनता के होमबलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे, और पाप बलि की चर्बी को वह वेदी पर जलाए। और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छोड़कर आए वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, और तब वह छावनी में प्रवेश करे, और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी जिनका लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुँचाया जाए वे दोनों छावनी से बाहर पहुँचाए जाए, और उनका चमड़ा मांस और गोबर आग में जला दिया जाए, और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए। पाप से प्रायश्चित का दिन मानना। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि सातवें महीने के दसवें दिन को तुम उपवास करना, और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन उपवास करना और किसी प्रकार का कामकाज न करना, यह सदा की विधि है। और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए वह याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वह सनी के पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे, और याजकों के और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इस्राएलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी हारून ने किया। लेवी व्यवस्था अध्याय 17। बलिदान का स्थान। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और सब इस्राएलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है, इस्राएल के घराने में से
कोई मनुष्य हो जो बैल या भेड़ के बच्चे या बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा। और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। इस विधि का यह कारण है कि इस्राएली अपने बलिदान जिनको वे खुले मैदान में वध करते हैं वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याचक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेलबलि करके बलिदान किया करे। और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। तू उनसे कह कि इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो होमबलि या मेलबलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। जानवरों को मारने और खाने के नियम। फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के लिए लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी न खाए। इस्राएलियों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो शिकार करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े वह उसके लहू को उंडेल कर धूली से ढाप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणियों के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है, जो कोई उसको खाए वह नष्ट किया जाएगा। और चाहे वह देशी हो या परदेशी हो, जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए पशु का मांस खाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध होगा। परंतु यदि वह उनको न धोए और न स्नान करे तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। लेवी व्यवस्था अध्याय 17। यौन नैतिकता का नियम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबिनी का तन उघाड़ने को उसके पास न जाए। मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उघाड़ना। अपनी पोती या अपनी नातिन का तन न उघाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उघाड़ना। अपनी फूफी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबिनी है। अपनी मौसी का तन न उघाड़ना,
क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुम्बिनी है। अपने चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी भाभी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी स्त्री या उसकी बेटी दोनों का तन न उघाड़ना, और उसकी पोती को या उसकी नातिन को अपनी स्त्री करके उसका तन न उघाड़ना। वे तो निकट कुटुम्बिनी है, ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत न करना, कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उघाड़े। फिर जब तक कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे, तब तक उसके पास उसका तन उघाड़ने को न जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना। अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करें, यह तो उल्टी बात है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ, वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं, और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करे, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुम से पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं, इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा न हो कि जिस रीति से जो जाति तुम से पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे वे सब प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाएं। यह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुम से पहले प्रचलित हैं उनमें से किसी पर न चलना, और न उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। लेवी व्यवस्था अध्याय 19। पवित्रता का नियम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना, और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर न फिरना, और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तुम यहोवा के लिए मेलबलि करो तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुम से प्रसन्न हो जाऊँ। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो यह घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है, इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम चोरी न करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना और न झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। मैं यहोवा हूँ। एक दूसरे पर अंधेर न करना, और न एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक न रहने पाए।
बहरे को श्राप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। न्याय में कुटिलता न करना और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्यों का मुँह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धार्मिकता से करना, बकवादी बन के अपने लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियाँ न बांधना, मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। बदला न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल न खाने देना, अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह न तो दास से और न सेंत में स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार न डाले जाएं। पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेड़ा दोषबलि के लिए ले आए, और याचक उसके किए हुए पाप के कारण दोषबलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। फिर जब तुम कनान देश में पहुँच कर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहे, इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए, और 4वें वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। तब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना और न टोना करना और न शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना, अपने सिर में घेरा रख कर न मुड़ाना और न अपने गाल के बालों को मुड़ाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख न देना। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम न्याय में और परिमाण में और तौल में और नाप में कुटिलता न करना। सच्चा तराजू धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो, मैं यहोवा हूँ। लेवी व्यवस्था अध्याय 20। प्राण दंड के योग्य भांति भांति के पापों का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि इस्राएलियों में से या इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उसको पत्थरवा करे। मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नाश करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार न डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको
और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करें उन सभी को भी उनके लोगों के बीच में से नाश करूँगा। फिर जो मनुष्य ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। परिवार और यौन अपराध कोई क्यों न हो जो अपने पिता या माता को श्राप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता या माता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वह अपने पिता ही का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी बहू के साथ सोए, तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाए, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो यह महापाप है, इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाए, जिससे तुम्हारे बीच महापाप न हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो, तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाए। यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे, तो तू उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना, वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे और उसकी बहन भी उसका नग्न तन देखे, तो यह निंदित बात है, वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाए। क्योंकि जो अपनी बहन का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उघाड़े, तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने वाला ठहरेगा और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते की उघाड़ने वाली ठहरेगी, इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नाश किए जाए। अपनी मौसी या फूफी का तन न उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़े वह अपनी निकट कुटुंबिनी को नंगा करता है, इसलिए इन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। यदि कोई अपनी चाची के संग सोए, तो वह अपने चाचा का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों अपने पाप का भार को उठाए हुए निर्वंश मर जाएंगे। यदि कोई अपनी भाभी को अपनी पत्नी बनाए, तो इसे घिनौना काम जानना, और वह अपने भाई का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, इस कारण वे दोनों निसंतान रहेंगे। तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह न हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वह तुमको उगल दे, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होंगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है। इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु या पक्षी या किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों न हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा कर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध न करना। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई या भूत की साधना करे, तो वह निश्चय मार डाला जाए।
ऐसों पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। लेवी व्यवस्था अध्याय 21। याजकों के लिए विशेष विधियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक है, उनसे कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध न करे, अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता या पिता या बेटे या बेटी या भाई के लिए, या अपनी कुवारी बहन जिसका विवाह न हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकता है, पर याजक होने के नाते से वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध न करे कि अपवित्र हो जाए। वे न तो अपने सिर मुंडाए और न अपने गाल के बालों को मुंडाए और न अपने शरीर चीरे, वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहे और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करे, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं, इस कारण वे पवित्र बने रहे। वे वेश्या या भ्रष्टा को ब्याह न ले और न त्यागी हुई को ब्याह ले, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है, इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाई जाए। जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे और न अपने वस्त्र फाड़े, और न वह किसी लोथ के पास जाए और न अपने पिता या माता के कारण अपने को अशुद्ध करे, और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं, मैं यहोवा हूँ। और वह कुमारी स्त्री को ब्याहे जो विधवा या त्यागी हुई या भ्रष्ट या वेश्या हो, ऐसी किसी से वह विवाह न करे, वह अपने ही लोगों के बीच में की किसी कुवारी कन्या से विवाह करे, और वह अपनी संतान को अपने लोगों में अपवित्र न करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। शारीरिक दोष और याजक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी शारीरिक दोष हो, वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। कोई क्यों न हो जिसमें दोष हो, वह समीप न आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नक चपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, या उसका पाँव या हाथ टूटा हो, या वह कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आँख में दोष हो, या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अंड पिचके हो। हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी शारीरिक दोष हो, वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह जो दोष युक्त है कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वह न तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और न वेदी के समीप, जिससे ऐसा न हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इसलिए मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को तथा सब इसराइलियों को यह बातें कह सुनाई। लेवी व्यवस्था अध्याय 22। याजकीय अशुद्धता। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इसराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहे, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करे, मैं यहोवा हूँ। और उनसे कह कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इसराइली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह मनुष्य
मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। हारून के वंश में से कोई क्यों न हो जो कोढ़ी हो या उसके प्रेमा हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए, और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो या जिसका वीर्य स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए और जो कोई किसी ऐसे रेंगने वाले जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, या किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह याजक जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा, और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो जानवर आप से मरा हो या पशु से फाड़ा गया हो उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न करे, मैं यहोवा हूँ। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाए और इसके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। पवित्र भोजन संबंधित निर्देश। पराए कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाने पाए, चाहे वह याजक का अतिथि हो या मजदूर हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। यदि याजक किसी दास को रुपया देकर मोल ले तो वह दास उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हो, चाहे कुटुंबी या दास, वे भी उसके भोजन में से खाए। और यदि याजक की बेटी पराए कुल के किसी पुरुष से विवाह हो तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से न खाए। यदि याजक की बेटी विधवा या त्यागी हुई हो और उसकी संतान न हो, और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराए कुल का कोई उसमें से न खाने पाए। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए तो वह उसका पांचवा भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे। वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाए अपवित्र न करें। वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष न उठवाए, मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। ग्रहण योग्य पशु बलि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएलियों से समझा कर कह कि इस्राएल के घराने या इस्राएलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मन्नत या स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होमबलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए, जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेलबलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष न हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो, अथवा उसमें रसैली या खौरा या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना, उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। जिस किसी बैल या भेड़ या बकरे का कोई अंग अधिक या कम हो, उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण न होगा। जिसके अंड दबे या कुचले या टूटे या कट गए हो, उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। फिर इसमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उनमें दोष और कलंक है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। बलिदान के लिए अतिरिक्त नियम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे, फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य चढ़ावे के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। चाहे गाय चाहे भेड़ी या बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना।
और जब तुम यहोवा के लिये धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने न पाए। मैं यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूँ, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया है, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूँ। लेवी व्यवस्था अध्याय 23। विशेष पर्व दिन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं: सबत, 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है, उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। फसा और अखमीरी रोटी। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा वे ये है: पहले महीने के 14वें दिन को सांझ के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना, और 7वें दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। पहली फसल का पर्व। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के अगले दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन एक वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो, वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घ हीन भर की चौथाई दाखमधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से न तो रोटी खाना, और न भुना हुआ अन्न, और न हरी बाले। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। सप्ताहों का पर्व। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूलों को लगाओ, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के अगले दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना, वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे, और उस रोटी के संग एक एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और एक बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाए, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाए, वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। और तुम उस दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम न करना। यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से न काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना, उसे गरीब
और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। नव वर्ष का पर्व। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि सातवें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उस दिन को स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना, प्रायश्चित का दिन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी सातवें महीने का दसवां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम उपवास करना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो मनुष्य उस दिन उपवास न करे, वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, और जो मनुष्य उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे, उस मनुष्य को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घराने में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम उपवास करना और उस महीने के नवे दिन की सांझ से अगली सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। झोपड़ियों का पर्व। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि उसी सातवें महीने के पंद्रहवें दिन से सात दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। सातों दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर आठवें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। यहोवा के नियत पर्व ये ही है। इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात होमबलि, अन्नबलि, मेलबलि और अर्घ, प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए, और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सभी से अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। फिर सातवें महीने के पंद्रहवें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब सात दिन तक यहोवा का पर्व मानना। पहले दिन परम विश्राम हो और आठवें दिन परम विश्राम हो। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नदी में के मजनू को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने सात दिन तक आनंद करना। प्रतिवर्ष सात दिन तक यहोवा के लिए पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि सातवें महीने में यह पर्व माना जाए। सात दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इसराइली हैं, वे सब के सब झोपड़ियों में रहे, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इसराइलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाए। लेवी व्यवस्था अध्याय 24। पवित्र दीपकों को सजाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों को सोने की दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। निवास की रोटी। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10 अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6-6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने रखना, और एक एक पंक्ति पर शुद्ध लोबान रखना, कि वह रोटी स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इस्राएलियों की ओर से हुआ करे, और वह हारून और उसके पुत्रों की होंगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं।
क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। परमेश्वर की निंदा का दंड। उन दिनों में किसी इस्राएली स्त्री का बेटा जिसका पिता मिस्री पुरुष था इस्राएलियों के बीच चला गया, और वह इस्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्राएली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे, और वह इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके श्राप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर रखे। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें, और तू इस्राएलियों से कहे कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को श्राप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई यहोवा के नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। फिर जो कोई किसी मनुष्य को जान से मारे वह निश्चय मार डाला जाए, और जो कोई किसी घरेलू पशु को जान से मारे वह उसका बदला दे, अर्थात प्राणी के बदले प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुँचाई हो वैसी ही उसको भी पहुँचाई जाए। पशु का मार डालने वाला उसका बदला दे, परंतु मनुष्य का मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अतः मूसा ने इस्राएलियों को यह समझाया, तब उन्होंने उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया, और इस्राएलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। लेव्य व्यवस्था अध्याय 25। भूमि के लिए विश्राम का वर्ष। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और 6वें वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छाट छाट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छाटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना, और अपनी बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हों उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। जुबली का वर्ष। 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7×7 वर्ष गिन लेना। 7ों विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुंकवाना, और उस 50वें वर्ष को पवित्र करके मानना, और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाएगा। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वह 50वें वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम न बोना और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना, और न बिन छटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह तो जुबली का वर्ष होगा। वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा, तुम उसकी उपज खेत ही में से लेकर खाना। इस जुबली के वर्ष में
तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो या अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो, तो तुम एक दूसरे पर उपद्रव न करना। जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हो उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना, और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष और रहे उतना ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज की संख्या जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा। तुम अपने अपने भाई बंधु पर उपद्रव न करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सातवें वर्ष के लिए प्रावधान। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि सातवें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको छठवें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और 9वें वर्ष की उपज जब तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। आवासीय भूमि के नियम। भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे। लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ाने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला न हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे, और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। फिर यदि कोई मनुष्य शहरपना वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वह घर जो शहरपना वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे, और पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे, और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। परंतु बिना शहरपना के गांव के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाएं, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाए। फिर भी लेवियों के निज भाग के नगरों के जो घर हो उनको लेवी जब चाहे तब छुड़ाए। और यदि कोई लेवी अपना भाग न छुड़ाए, तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इसराइलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों में वे घर ही हैं। पर उनके नगरों के चारों ओर की चराई की भूमि बेची न जाए, क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा। कंगालों को उधार देना। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना, वह परदेशी या यात्री के समान तेरे संग रहे। उससे ब्याज या बढ़ती न लेना, अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया न देना और न उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। दासों को छुड़ाने की विधि। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर
अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले तो उससे दास के समान सेवा न करवाना। वह तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए, क्योंकि वे मेरे ही दास हैं जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। इसलिए वे दास की रीति से न बेचे जाएं। उस पर कठोरता से अधिकार न करना, अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास दासियां हो वे तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हो, और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे उनमें से और उनके घरानों में से भी जो तुम्हारे आसपास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हो, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरे। तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इज़राइली हो उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले, तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, या उसका चाचा या चचेरा भाई तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है, या यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। वह अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे, और उसके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। यदि जुबली के वर्ष के बहुत वर्ष रह जाए तो जितने रुपयों से वह मोल लिया गया हो उनमें से वह अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। यदि जुबली के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हो तो भी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्षों के अनुसार फेर दे। वह अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो, और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया न जाए तो वह जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि इज़राइली मेरे ही दास हैं, वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। लेवी व्यवस्था अध्याय 26। आशीष का वाचा। तुम अपने लिए मूर्ति न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति या स्तंभ अपने लिए खड़ा करना, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा, और मैं उस देश में खतरनाक जंतुओं को न रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा
और तुम को फलवंत करूँगा और बढ़ाऊँगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूँगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवासस्थान बनाए रखूँगा, और मेरा जी तुम से घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। आज्ञा उल्लंघन का दंड यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुम से यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षयरोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा, और इनके कारण तुम्हारी आँखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊँगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे, और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा, और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा, और तुम्हारा बल अकारत गवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा, और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नाश कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा, और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा, और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होंगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल तौल कर बांट देंगी, और तुम खाकर भी तृप्त न होंगे। फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा, और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तों पर फेंक दूंगा, और मेरी आत्मा को तुम से घृणा हो जाएगी, और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा, और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूंगा, और मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा, और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, तब ही वह देश विश्राम पाएगा अर्थात अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा।
जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम रहेगा, अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहाँ बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में न मिला होगा वह उसको तब मिलेगा। और तुम में से जो बचा रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा और वे पत्ते के खदेड़ने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर पड़ेंगे। जब कोई पीछा करने वाला न हो तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे, और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति न होगी। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नाश हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी। और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देशों में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे, और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं के समान गल जाएंगे। पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है, यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। पर वह देश उनसे रहित होकर सूना पड़ा रहेगा और उनके बिना सूना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, और वे लोग अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था और उनकी आत्माओं को मेरी विधियों से घृणा थी। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु मैं उनकी भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आँखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। मैं यहोवा हूँ। जो विधियाँ और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इसराइलियों के लिए सीनाय पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी वे ये ही हैं। लेव्य व्यवस्था अध्याय 27। विशेष संकल्प की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से यह कहे कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प किया हुआ मनुष्य तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे। इसलिए यदि वह 20 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 50 शेकेल का चांदी ठहरे। यदि वह स्त्री हो तो 30 शेकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 5 वर्ष या उससे अधिक और 20 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 20 शेकेल और लड़की के लिए 10 शेकेल ठहरे। यदि उसकी अवस्था 1 महीने या उससे अधिक और 5 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 5 और लड़की के लिए 3 शेकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 60 वर्ष की या उससे अधिक हो और वह पुरुष हो तो उसके लिए 15 शेकेल और स्त्री हो तो 10 शेकेल ठहरे। परंतु यदि कोई इतना कंगाल हो कि याजक का ठहराया हुआ दाम न दे सके तो वह याजक के सामने खड़ा किया जाए और याजक उसकी पूंजी ठहराए, अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके याजक उसी के अनुसार ठहराए। फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं, यदि ऐसों में से कोई संकल्प किया जाए तो जो पशु कोई यहोवा को दे
वह पवित्र ठहरेगा, वह उसे किसी प्रकार से न बदले, न तो वह बुरे के लिए बदले अच्छा और न अच्छे के बदले बुरा दे। और यदि वह उस पशु के बदले दूसरा पशु दे तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरेंगे। और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाते, ऐसों में से यदि वह हो तो वह उसको याजक के सामने खड़ा कर दे। तब याजक पशु के गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। पर यदि संकल्प करने वाला उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उसमें उसका पांचवा भाग और बढ़ा कर दे। फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहरा कर संकल्प करे तो याजक उसके गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। और यदि घर का पवित्र करने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जितना रुपया याजक ने उसका मोल ठहराया हो उसमें वह पांचवा भाग और बढ़ा कर दे, तब वह घर उसी का रहेगा। फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराना चाहे तो उसका मोल इसके अनुसार ठहरे कि उसमें कितना बीज पड़ेगा। जितना भूमि में होमेर भर जौ पड़े उतनी का मोल 50 शेकेल ठहरे। यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष ही में पवित्र ठहराए तो उसका दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे। और यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए तो जितने वर्ष दूसरे जुबली के वर्ष के बाकी रहे उन्हीं के अनुसार याजक उसके लिए रुपए का हिसाब करें। तब जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो। और यदि खेत को पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उसमें वह पांचवा भाग और बढ़ा कर दे, तब खेत उसी का रहेगा। और यदि वह खेत को छुड़ाना न चाहे या उसने उसको दूसरे के हाथ बेचा हो तो खेत आगे को कभी न छुड़ाया जाए, परंतु जब वह खेत जुबली के वर्ष में छूटे तब पूरी रीति से अर्पण किए हुए खेत के समान यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, अर्थात वह याजक ही की निज भूमि हो जाए। फिर यदि कोई अपना मोल लिया हुआ खेत जो उसकी निज भूमि के खेतों में का न हो यहोवा के लिए पवित्र ठहराए तो याजक जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिए जितना ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसी दिन दे दे। जुबली के वर्ष में वह खेत उसी के अधिकार में जिससे वह मोल लिया गया हो फिर आ जाए, अर्थात जिसकी वह निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए। जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उसका मोल पवित्र स्थान ही के शेकेल के हिसाब से ठहरे, शेकेल 20 गेरा का ठहरे। परंतु घरेलू पशुओं का पहलौटा जो पहलौटा होने के कारण यहोवा का ठहरा है उसको कोई पवित्र न ठहराए, चाहे वह बछड़ा हो चाहे भेड़ या बकरी का बच्चा, वह यहोवा ही का है। परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका पांचवा भाग और बढ़ाकर छुड़ा सकता है। और यदि वह न छुड़ाया जाए तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए। परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु न तो बेची जाए और न छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। मनुष्यों में से जो कोई मृत्यु दंड के लिए अर्पण किया जाए वह छुड़ाया न जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो पांचवा भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और गाय बैल और भेड़ बकरियां, अर्थात जो जो पशु गिनने के लिए
लाठी के तले निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात् दस-दस पीछे एक-एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण न विचारे और न उसको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे, और वह कभी छुड़ाया न जाए। जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी थी वे ये ही हैं।